130,000 वाली जो बात आपकी है, तो इस पे हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि जो ये यात्री प्रतीक्षालय बने हुए हैं जी। बहुत जगह ही यात्री प्रतीक्षालय बने हर विधानसभा क्षेत्र में, हमारे यहाँ नहीं बना। नहीं मतलब हाँ? आपके यहाँ हो गया, हो सकता है कि ना बना हो, लेकिन बहुत जगह बने हैं, आप भी यात्रा करते होंगे तो बने हुए हैं। यात्री प्रतीक्षालय बनाने के लिए जो राशि मंजूर होती है वो 2,00,000 रुपए 2,62,000 रुपए होती है। जो प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि मंजूर होती है वो 1,35,000-1,50,000 के करीब। हाँ, तो खर्च जो है तो आवास योजना में ज्यादा लगता है या यात्री प्रतीक्षालय में ज्यादा? देखिए घर का अब खर्च कहाँ से, आज रेता, वो रेता का रेट जान रहे हैं क्या है? 4,000-5,000 रुपया टाली है, ट्रैक्टर का टाली में, और सरिया का पता है, माने आज की डेट में 6,200 रुपए कुंटल है सरिया, है ना? होएगा 80, आज 62 है, घट गया। हाँ 80 हो गया था, अब घट गया है ना। और जोड़ी है सीमेंट 450-350 आज है, है ना? तो कहाँ से बनेगा, जोड़िए ना आप। नहीं अभी हम सीधे तौर पर ये पूछना चाहते हैं कि जो ये क्यों लेने में कहाँ से कमी है, डीजल का रेट क्या है? डीजल इतनी जनता बन रही है, गाड़ियां बन रही है, ये कहें गाड़ी बड़ी तो क्या जनता मौत कर दोगे? हमारे भारत में पैदा होता है, कहेगा ये विदेश से आता है तो महंगा तो होगा ही। क्या महंगा होगा, हम 1 लीटर उपयोग करते थे, 3 लीटर उपयोग कर रहे हैं दिन भर में। ठीक है तो गाड़ियां बन रही है। सुनिए सुनिए, देखो पब्लिक पेट्रोल पहले मनमोहन सिंह सरकार रहा था क्या रेट था, 65 रुपए है, आवाज की रेट क्या है, और डीजल क्या रेट है, डीजल पेट्रोल के रेट देखिए, कोई मुद्दा कोई कालम उठा के दे देगा, आवास क्या चीज है, नमक का रेट है, नमक के रेट पूछो है? जिसको 24 घंटे में कितने उपयोग, नमक क्या है, नमक तो पदार्थ है, नमक है? भाई नमक को रेट, हर चीज का रेट, कड़ू के तेल क्या रेट है, 60 रुपए किलो में अपने जमाने में लिया हूँ, 60 रुपए किलो है ना, आवाज क्या है, 200 रुपए किलो है, तो जोड़िए ये सब महंगाई आवाज दिया तो बहुत जग थोड़ी किया है, कोई नहीं तो अपने घर से थोड़ी दिए, वो तो हमारे रसूली करके हम ही को दे देते हैं, तो घर से तो कोई भी नहीं दे रहा था। हाँ क्या कह रहे हैं कि बहुत जग थोड़ी किए हैं कि आवाज दिए हैं तो पब्लिक स्वतंत्र है, उस महंगाई में लिए भी वही पैसा को सरिया से ले लिए, रेता से भी ले लिए है, कहाँ से नहीं लिए, और सीमेंट से ले लिए, अब पब्लिक को क्या है, कहाँ से बनेगा 1.5 लाख में घर। तो ये जो यात्री प्रतीक्षालय बनते हैं 2.5 लाख से ज्यादा की रकम उसके लिए मंजूर होती है, वो ठेकेदारों को देते हैं, उसमें कमीशन है उनका, ठेकेदारों को दे दिए कमीशन है, उसमें तो ज्यादा मान लो कि 1 लाख का खर्चा है यात्री प्रतीक्षालय, 85,000 कमीशन देंगे यार, उसमें क्यों नहीं सोच रहे हैं आप, पर घर में उतना थोड़ी मिल, हम तो यहाँ के है नहीं तो हम क्या बोलेंगे, हम मऊ गंजरीवा जिला, तो यात्री प्रतीक्षालय तो पूरे मध्य प्रदेश में बने, नहीं तो हमारे गांव में एक भी नहीं है, इसका भरोसा नहीं है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ बस चलती है वहीं प्रतीक्षालय। हाँ वहाँ पे तो है प्रतीक्षालय, कई जगह ऐसी भी जगह बने हुए हैं जहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है, लोग प्रयोग के लिए बनवाए हैं, अपने द्वार पे बनवा लिए, उनको बैठने उठने के लिए हो गया, बाकी पब्लिक तो एक भी नहीं जाती है वहाँ, हमारा चौहाना खटखरी प्रतीक्षालय है ना, प्रतीक्षालय सलैया में है ना, प्रतीक्षालय प्रतीक्षालय बना है सलैया में, बना है, लेकिन पैसा जो लगाया जाता है यात्री प्रतीक्षालय के लिए ऐसा नहीं लगता कि वो पैसा ज्यादा लगता है, जैसे आवास योजना में जब पैसा मिलता है 1,35,000-1.5 लाख मिलता है, लेकिन यात्री प्रतीक्षालय के लिए 2.5 लाख से ज्यादा पैसा लगाया जाता है, क्या उसमें आपको लगता है कि इतना पैसा लगना चाहिए? नहीं पैसा तो इतना नहीं लगना चाहिए, आधा पैसा लगता है करीब 1.5 लाख रुपया, आधा पैसा चला जाता है साकर के खाता में, खाता में चला जाता है, तो जाता भी तो जनता के खाता से ही होगा ना। हाँ तो जनता एक लेता है एक देता है एक हाथ से, क्या करे, ये लेन देन चलता रहेगा, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार आए ये तो चलता रहेगा, आज से नहीं बहुत पहले से चलता है। और एक चीज जो राजीव गांधी की सरकार में कही जाती थी कि जब हम 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं तो 80 पैसे तो जो तो अटक जाते हैं, 20 पैसे 10 पैसे ही गरीब तक पहुंचते हैं, तो आज वर्तमान में वो 1 रुपए गरीबों तक पहुंचे रहे कि नहीं?
पहुंच रहा है डायरेक्ट जिसके खाते में जाता है तो उसके खाते में पैसा पूरा पहुंचता है। और पहले तो आते आते आधा पैसा चला जा गायब हो जाता था और फिर आधा पैसा निकालने में कुछ देना पड़ता था तब पैसा निकलता। देना तो अभी भी कहीं ना कहीं पड़ ही रहा है। ऐसा नहीं कहीं कहीं पड़ता है कहीं कहीं नहीं पड़ रहा है। जो सक्षम है वो नहीं देते हैं, जो सक्षम है वो नहीं देते हैं, और जो सक्षम नहीं है तो आवास से आया ठीका दे दिए दूसरे को बनाने के लिए। नहीं ये तो ठेका देने के बाद की बात होगी। जैसे आवास का पैसा आया, हम क्योंकि कई गांवों में जाते हैं कई सारी जगहों पर घूमते रहते हैं तो हम देखते हैं कि जब गरीबों के पास ही जाते हैं तो ये पता चलता है कि जो वहाँ के गाँव के लोग हैं जिनके द्वारा पैसा भेजा जाता है गरीबों को तो नाम जोड़ने के नाम पे कभी पैसे लिए जाते हैं कभी वो होते हैं तो इस तरीके की चीजें तो अभी भी चल रही हैं। अब हमारा तो आवास नहीं आया है भैया, हम नहीं दिया। आपको तो किसी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिला अभी? नहीं नहीं, हमको खाली एक राशन कार्ड अभी ये जनवरी से लागू हुआ है अभी बना है, इसके पहले कोई नहीं मिल रहा था, शासन का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। अभी दो महीने से गल्ला मिल रहा है, आवास आ जाए तो हमसे कोई मांगे पैसा कि हमको दो तो हम जाने, अब दूसरों को क्या हम जाने कि दिए हैं कि नहीं दिए। लेकिन पहले से योजनाएं अब बेहतर हुई हैं, लोगों तक जो पैसा पहुंचने लगा है तो बेहतर तरीके से अब पहुंचने लगा। हाँ बेहतर तरीके से पहुंचता है।